हसल करता था कुत्ते की तरह, कुत्ते की तरह, कुत्ते की तरह। उस टाइम पे ज्यादा बॉन्डिंग नहीं थी सर, एक एक फैसिनेशन थी श्रद्धा कपूर, और मैं एक ऐसा बच्चा ऐसा कोने में शर्माता था, कोई दोस्त नहीं कुछ नहीं, बस एक एक मकसद था स्कूल आने, और श्रद्धा कपूर, मतलब श्रद्धा कपूर को देखता था मैं स्कूल। हर प्ले की लीड थी, हर कंपटीशन जीती थी, डांस डांस में फाड़ती थी, नहीं डरी, हकीकत है। तो इनको देख के मतलब सर मैंने सारे लड़के बहल जाते थे, पागल हो जाते थे इनको देख के, मतलब बड़ा ब्यूटीफुल गर्ल। एंड मैं तो खास खासकर बचपन से एक क्रश है, पहला क्रश था। टाइगर आपको पता है, अपने ट्रेलर देखा, आप देखते हो कि कैसे डांस करता है, हवे में डांस कर सकता है, इट्स अमेजिंग। सो आई वॉज वेरी नर्वस एंड आई एम जस्ट एक्साइटेड कि मुझे मौका मिला इनके साथ फिल्म करने का, साबिर सर के साथ फिल्म करने का। जब मुझे पता चला कि मेरा फर्स्ट शेड्यूल एक गाना होने वाला था श्रद्धा कपूर के साथ, लेट्स टॉक अबाउट लव गाना है हमारी पिक्चर की, जो डांस गाना है, तो मैंने जल्दी से कोरियोग्राफर को कॉल किया, बोला सर श्रद्धा कपूर से पहले मुझे आना है, एक घंटा पहले बुला दो और श्रद्धा कपूर को ये टाइम पे बुला दो। तो मैं जाता था सबसे पहले रिहर्सल करता था कुत्ते की तरह, फिर उसके बाद श्रद्धा आती थी, फिर जाने का टाइम पे जाने का टाइम फिर जाने के टाइम पे जाने के टाइम पे जब हम जा रहे थे, श्रद्धा पहले निकलती थी, बोला हाँ श्रद्धा आई एम कमिंग 5 मिनट्स आफ्टर यू, मैं आऊँगा, ठीक है। श्रद्धा जब उनकी गाड़ी निकलती थी वहाँ से, दोबारा रहता था पीछे, आई प्रैक्टिस वन मोर आवर एक्स्ट्रा, यू नो, बिकॉज आफ्टर सीन ABCD 2, सुन से आते जो गाना है इसमें ABCD 2 पिक्चर में, वो देख के मतलब मैं हैरान हो गया कि यार इनके साथ करने वाला पिक्चर है, तो थोड़ा डबल मेहनत करना पड़ेगा इनको टक्कर देने। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।